जिला प्रशासन के द्वारा सीहोर जिले में 199 शासकीय गेहूं उपार्जन केंद्रों पर खरीदी शुरू कर दी गई है। शासकीय खरीदी केंद्रों पर किसानों को हल्की अव्यवस्थाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। कोरोना रोकथाम गाइडलाइंस का पालन करने में भी दिक्कतों का सामना केंद्र प्रभारियों को करना पड़ रहा है। आदर्श न्यूज चैनल के बड़खेला हसन के रिपोर्टर आसिफ खान मंसूरी के द्वारा स्थानीय केंद्र पर पहुंचकर किसानों से चर्चा की गई, केंद्र प्रभारी से भी सवाल किया। कितना कुर्सियाँ तो नहीं है, लेकिन अच्छी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन में कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं। आपका नंबर कब आया था? नहीं, 1 तारीख को आ गया था। कल आपकी तो सिलाई पूरी नहीं हो पाई? नहीं, पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए मैं दोबारा आज लेके आया। तो आज कितने में से छोड़े गए किसानों? किसानों को आज छूटे गए छोटे 15 में से, बड़े 5। लगभग कितनी आपक हो चुकी है? लगभग एक केंद्र पे हुई 197 क्विंटल, दूसरे पे हुई 100 क्विंटल। अच्छा, यहाँ पे कुछ आय व्यवस्था है क्या? किसकी? क्या मतलब किसानों की समस्या कुछ निराकरण की व्यवस्था? हाँ, निराकरण की है ना व्यवस्था। नहीं मतलब कि किसानों को समस्या आपकी बोली होगी, इससे इस चीज की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर? नहीं, ऐसा कोई किसान ही नहीं है। शिकायत आपको नहीं मिली? नहीं नहीं हमारे खबर मिली थी पानी की अव्यवस्था है यहाँ पर पीने के लिए। पानी की व्यवस्था इसके लिए 2 टैंकर बाहर खड़े हुए हैं, 1 टंकी लगी हुई है।